भाई थोड़ा सा साइड में ले ले जरा भैया, धक्का नहीं, धक्का आराम से बैठो, अपन वाइट ले लेंगे बाद में, एक मिनट बाद में वाइट ले लेंगे, फोटो तो ले लेंगे अभी कर देंगे, रुक जाओ थोड़ा भाई, एक मिनट रुक जाओ भाई, एक बड़े फोटो तो ले लेंगे वाइट, आराम से हो जाएगा भाई, फोटो कर लेंगे एक मिनट चल रहा है, एक मिनट भैया थोड़ा पीछे हो जाओ, जरा पीछे हो जाओ भाई, जरा पीछे हो जाओ, ऐसे आओ ना थोड़ा सा, ऐसे आओ, इसकी दे दी आप ही की तो है, सलाद तो तुम्हारे पास, हेलो हेलो भाई सर कैमरा थोड़ा पीछे कर ले यार, हां चलो, हां एक इधर इधर करो, पीछे होना स्टॉप करो, गुल्लू भैया पीछे आओ सर, गुल्लू आया आईडी ऊपर, आईडी ऊपर और ऊपर और ऊपर, चलो भैया आज आपके एक विधायक को आमरण अनशन पे मजबूर होना पड़ रहा है, यहाँ पे भी वही स्थिति है, कमोवेश की पुराने भुगतान भी किसानों को नहीं हुए हैं, तो ऐसे में सरकार की जो स्थिति है उसको लेकर क्या है? सरकार की नीति पूर्ण रूप से स्पष्ट है, यदि थोड़ा इतिहास पे जाए, जब किसान आंदोलन करता है तो सरकार नहीं सोके नहीं उठती, जब मजबूत हो जाता है, ज़्यादा आंदोलन हो जाता है और गोली चल जाती है, तब किसान की बात समझ में आती है, शिवराज सिंह जी को सरकार, उसके बाद प्याज खरीदी होती है, विधानसभा में नीलेश अवस्थी जी और काफ़ी विधायक लोगों ने तुअर और अरहर की, तुअर और मूंग की खरीदी की चर्चा की, साफ साफ कहा गया था 31 जुलाई, फिर उसके बाद ये कहा गया कि जब तक किसान बेचेगा तब तक खरीदेगा, खरीदी, लेकिन भुगतान की जहाँ बात है, फिर से दूर कोई दूर दूर से कोई उत्तर नहीं है ना पेमेंट, यहाँ पर जो बैठे हैं साथी सब, ये पहले से सरकार को चेतावनी दी थी कि हम आमरण अनशन बैठेंगे, किसानों का भुगतान हो जाए, लेकिन पंजीरी जैसा भुगतान किसान को अगली फसल के लिए व्यवस्था करनी है, चिंतित है, लेकिन सरकार जब पहले सुनी है आज खामी किसकी क्या लगती है, मुख्यमंत्री जी की, उनके प्रशासन की, ऐसी क्या स्थिति, क्योंकि वो खुद अपने आप को कहते हैं कि मैं किसान पूछूँ और किसानों की समस्याएं मेरी प्राथमिकता ही, मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री को अब शासन करना भूल गए, वो इसीलिए मजबूरन वो कहने लगे कि मैं कलेक्टर को भी उल्टा टांगूं, यदि हताश मुख्यमंत्री है शिवराज, वो हताशी आदमी ऐसे अपने अधिकारी के लिए कहता है कि मैं उल्टा टांग, मेरे ख्याल से उनकी न चलती होगी और न चला सकती है, वे मन की बात शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले वो किसानों की ही मन की बात करेंगे, दिल की बात करेंगे, देखिए एक ने दिल्ली में मन की बात की और उनका अनुसरण करते हुए हमारे शिवराज जी दिल की बात शुरू की, मैं तो आज ही सुबह कह चुका हूँ कि एक और नई नौटंकी शिवराज की शुरू हो गई, जिससे आदमी अपनी समस्या को भूलकर दूसरी चीज से चर्चा करने लगे, वो है कला शिवराज, जब कोई और दूसरा कुछ नहीं मिलेगा तो दिल की बात, उसके बाद हृदय की बात भी अभी नया नाम लेंगे, दिल की फिर हृदय की फिर लिवर की, हमेशा जहाँ जाते हैं
पार्टी दूसरी पार्टी के विधायक उनके साथ आ जाते हैं, कहीं कुछ आपको ऐसा डर लग रहा है कि कांग्रेस के विधायक भी उनके साथ आएंगे भोपाल में? मुझे कतई भी डर नहीं है, लेकिन मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूं, पहले बात आप अपना नारा बदल दो। आप ही ने कहा था कि मैं देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनाऊंगा, तो यदि आज अन्य पार्टियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में ले रहे हैं तो आपका नारा वो गलत था या सही था? मध्य प्रदेश में कांग्रेस का तो कोई नहीं जाने वाला विधायक, लेकिन शिवराज सिंह जी अपने विधायकों को थोड़ा देख लें, कहीं ऐसा ना हो कुछ दिन बाद वो लोग छोड़ छाड़ के हमारे साथ ना। किसान आंदोलन जैसी बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अंडरग्राउंड है, जनता में नाराजगी है सरकार के खिलाफ। अब कुछ ही दिन का वक्त बचा है 2018 का, तो क्या रोड मैप देखिए कांग्रेस चल रही है, क्या आप लोग विचार कर रहे हैं कि कम समय में बेहतर चल जाए? देखिए रोड मैप बना हुआ है, काम भी चल रहा है, और पहला उदाहरण आपको नगरी निकाय चुनाव के नतीजे से मिलेगा, उसी से पता चल जाएगा हवा का रुख क्या है। 40 सीटें हैं, घुसने का दावा करते हैं, दावा घुसने करता हूँ, लेकिन रुख आपको धन्यवाद। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उड़द में और राहत का देखने को मिल रहा है कि खरीदी लगा 10 जून से चल रही है और 21 जुलाई तक चल रही है, लेकिन जो अभी आंकड़े हम लोग ने मंडियों से निकाले हैं और जो समझ में आया, तो मुझे लगता है कि 10 से 16 और 16 से 20 के बीच भर में किसानों को भुगतान मिला है, तो 20 जून से लेकर 21 जुलाई तक के किसानों को अभी तक भुगतान नहीं मिला। और पूर्व में भी अभी जानकारी आई है कि राहर का जो फरवरी मार्च में जो राहर खरीदी गई थी उसका भी अभी किसान, कई ऐसे किसान हैं जिनको लगभग 40-45 लाख रुपये अभी भी उनका बाकी है। जिस हिसाब से किसानों की स्थिति आप देखने को मिल रही है, जो विवश हो रहा है, आए दिन आत्महत्या कर रहा है, कारण भी यही बन रहा है कि उनको समय पर सही समय पर उनको काम होने को नहीं मिल रहा। उन लोग क्या कर रहे हैं कि आज हमको सरकार से पैसे में विलंब हो रहा है, 50-60 दिन लग रहे हैं, तो विवश होकर वो अपनी फसल को, अगली जो फसल आ रही है उसको बचाने के लिए साहूकारों से होने पौने दामों में ब्याज लेते हैं।